मौसम विभाग द्वारा पौड़ी जिले के लिए जारी किए गए भारी बारिश के अलर्ट पर SDRF सतर्क हो गया है। जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षिका पी रेणुका ने सभी थाना प्रभारियों को बिगड़ते मौसम पर अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिले में बीती रात से हो रही बारिश से जिले की 6 ग्रामीण सड़कें प्रभावित हुई हैं, जबकि अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। अलकनंदा खतरे के निशान से महज 1.5 मीटर नीचे बह रही है, जिसमें तेज बारिश होने पर नदी में उफान आ सकता है। वहीं जिले के अन्य नदी नाले भी बारिश के बाद से ही उफान पर हैं। ऐसे में किसी आपदा के घटित होने पर राहत उपकरणों के साथ SDRF टीम को रेस्क्यू करने को कहा गया है। बीते दिन ही 80 mm की बारिश धुमाकोट क्षेत्र में दर्ज हुई, जहां हालात बेकाबू हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा डिजास्टर का या आपदा का बारिश का मौसम है, उस समय तो हमारा कितना भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर हम लोगों ने पहले ही ट्रेंड हमारा पुलिस है, ट्रेंड पुलिस है एंड सभी थाना क्षेत्र में हमने आपदा की कितना भी इक्विपमेंट है आपदा का वो सभी उनके पास उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा SDRF का टीम्स भी कोटद्वार है, श्रीनगर है एंड सतपुली है, लक्ष्मण झूला है, ऐसे जहाँ पर उनको भी हमने व्यवस्थापित कर रखे हैं। सो हमारा कहीं भी कोई भी सूचना आने पर तुरंत ही वो लोग अपना वहाँ पर तत्काल पहुँच देते हैं। अभी एक दो दिन पहले वहाँ पर धुमाकोट क्षेत्र में हुआ था, वहाँ भी हमारा टीम ने वहाँ पर गए, वहाँ पर 2 लोगों को वहाँ पर उन्होंने बचाया। सो ये ट्रेनिंग उनके अच्छा हो रखी, एक तो ट्रेनिंग है एंड उनके पास सारा साधन है, इस वजह से पुलिस है तुरंत ही वहाँ पर मौके पर पहुँच के अपना कार्रवाई कर रहे हैं। पौड़ी में 40 mm, यमकेश्वर में 38 mm और कोटद्वार में 37 mm की बारिश बीते दिन दर्ज हुई। इसके साथ ही जिले के कई हिस्सों में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट।